नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव के एक नए अपडेट की। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है। चुनाव आयोग ने सभी 6 पदों यानी कि मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए 129 चुनाव चिन्हों की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा चुनाव के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। सभी पदों पर प्रत्याशियों के नामांकन शुल्क का निर्धारण भी किया जा चुका है। राज्य सरकार ने 10 चरण में चुनाव कराने का फैसला भी लिया है। ईवीएम खरीदने के लिए 122 करोड़ का फंड भी अलॉट कर दिया गया है। वहीं कुछ जगहों पर दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाने का भी मामला सामने आया है। चुनाव आयोग ने बिहार पंचायत चुनाव के लिए मतदाता बूथ बनाने जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। आयोग ने मुखिया के घर से 100 मीटर के अंदर किसी धार्मिक स्थल में या फिर थाना परिसर में बूथ बनाने का निर्देश जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन जगहों पर बूथ नहीं बनाए जाएंगे। हालांकि आयोग को शिकायत मिली है कि विभिन्न जिलों में ऐसे बूथ बनाए गए हैं जो इन प्रतिबंधित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। आयोग ने इन शिकायतों की गंभीरता से लिया है और संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और सह जिलाधिकारी को जांच करवाकर रिपोर्ट का आदेश मांगा है। बताया गया है कि विभिन्न जिलों में करीब 400 बूथ ऐसे बना दिए गए हैं जो इन प्रतिबंधित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने कहा है कि सभी जिलों से आए बूथों के गठन के प्रस्ताव की समीक्षा कर उसके अनुमोदन की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई जिलों से प्रतिबंधित जगहों पर भी बूथ बनाए जाने का मामला सामने आया है। इन शिकायतों की जाँच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने नए वोटरों को लेकर सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा है। आयोग ने इन नए वोटरों का नाम पंचायत चुनाव के वोटर लिस्ट में जोड़ने की प्रक्रिया भी तय कर दी है। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि वह 1 जनवरी 2021 के मापदंड के आधार पर तैयार विधानसभा निर्वाचन के वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी सभी वीडियो को उपलब्ध करा दें। ध्यान रहे कि सूची वही हो जिसका प्रकाशन 15 फरवरी 2021 को हुआ था। साथ ही सूची की सॉफ्ट कॉपी राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भी लेने को कहा गया है। सूची में 16,85,086 मतदाताओं का नाम है, लेकिन इसमें लगभग 25,000 शहरी क्षेत्र के वोटर हैं। शहरी क्षेत्र के वोटरों को हटाकर भी पंचायत चुनाव में वोटर लिस्ट को जोड़ा जाएगा। आयोग ने यह भी कहा है कि पंचायत चुनाव के लिए भी 1 जनवरी 2021 की अर्हता के आधार पर मिले दावे के निष्पादन के बाद 19 फरवरी 2021 को प्रकाशित किया गया है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रकाशित वोटर लिस्ट को पुनरीक्षित कर दिया। इसका अंतिम प्रकाशन 15 फरवरी 2021 को किया गया, लिहाजा इस सूची के वोटरों को पंचायत चुनाव में वोट देने का अधिकार मिल गया है। इस साल प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पटना के SSP ने साफ कहा है कि पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए अभी से ही अपराध रोकने व गतिविधियों के खिलाफ शिकंजा कसने को हर स्तर पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। शांति भंग की आशंका से जुड़े लोगों को पाबंद किया जाएगा। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ ही निलंबित मामलों की कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज किया जाएगा। यही नहीं, जिन थानों या फिर क्षेत्रों में हाल के दिनों में लूट, चोरी, छिनताई, हत्या आदि की घटनाएं हुई हैं, उसमें संलिप्त अपराधियों की हर हाल में गिरफ्तारी की जाएगी। पंचायत चुनाव के और भी ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।